अस्सलामुअलैकुम सभी दोस्तों, रमजान महीना तो मुबारक है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता क्योंकि टाइम गुजर है और आपको भी वक्त कम है। आप सुबह से रोज़ा रखें, अभी अभी रोज़ा खुले हैं, नमाज पढ़ के आए हैं आप लोग। सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, रमजान महीना बहुत इम्पोर्टेंट महीना होता है। हम अगर जाने और अनजाने में गलती किया तो माफी नहीं मिलेगा, ये महीना। अगर दूसरा महीना में हम अनजाने में गलती किया तो माफी मिल जाएगा, लेकिन ये महीना में नहीं मिल जाएगा। इसलिए हमको कठिन तपस्या करना पड़ रहा है। क्यों? और इसलिए रोजा रख रहे हैं, रोजा इसलिए रखे, आपका इम्तिहान ले रहा है, ये आपका इम्तिहान का महीना है, इसलिए 30 रोजा रखना ही पड़ेगा आपका। एक बार कलमा पढ़ने के बाद 30 रोजा रखना ही पड़ रहा है और जकात अदा करने का अच्छा मौका मिल जाएगा। अल्लाह ताला ने ये महीने में जन्नत दरवाजा खुला रखे, आपका इंतजार करता रहता है, आप कितना सवाब का काम करता है। सवाब का काम नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन गलत काम नहीं करना ये महीने। इसलिए आप सबको, क्योंकि छोटा बच्चा है, आप लोग मेरे से भी ज्यादा जानते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लेता हूं मैं, क्योंकि मुझे मालूम है ये कितना इंपॉर्टेंट है। 30 रोजा रखना इतना आसान नहीं है। अगर बीच में कुछ तकलीफ हुआ तो क्या करना, आपका इसमें है, आगे बढ़ सकते हैं, करेक्ट, ईद के बाद भी आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन 30 रमजान रोजा तो रखना ही पड़ेगा, करेक्ट। इसीलिए मैं आपको, छोटे बच्चों को, आपको नहीं, आप मेरे से भी बड़े, आपसे बोलता हूँ मैं कि 5 नमाज एक तरह रमजान में पढ़े, बाकी टाइम में 5 नमाज भी पढ़े। जो नमाज का पाबंद है उसे गलती नहीं होगी, अगर सफर में है तो कैसे मिला के पढ़ना आपको मालूम है, वो भी सही तरीके से पढ़ना है। रोजा 30 रखना है, गलत काम नहीं करना है, जकात अदा करना है, बस, बाकी सब ऑप्शनल है हमारे लिए, ठीक है। आप सबको मुबारकबाद देते हुए ये महीने का पूरा फायदा बताना पड़ेगा, इसलिए कोई आपसे मक्कल हायर एजुकेशन मगळ मदुवे ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.